उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए भूपेश सरकार काफी बेहतर काम कर रही है। लेकिन ये बेहतर काम कैसे हो रहा है, ये आज हम आपको अपने एक रिपोर्ट के जरिए बताने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से धमतरी, कोंडागांव और रायगढ़ जिले में तेंदुपत्ता संग्राहकों के चेहरे पर मुस्कान आई है और आखिर कैसे उन्हें सरकार की ओर से मदद भी मिल रही है, परिश्रमिक बढ़ाए जाने पर क्या है उनकी प्रतिक्रिया। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि पहले और अब की सरकार में क्या कुछ अंतर है, जानने के लिए एक खास रिपोर्ट। जल जंगल जमीन से भरा पूरा एक समृद्ध प्रदेश, इस प्रदेश में खनिज संपदा के बीच अनेक तरह के लघु वनोपज भी हैं। जंगल में रहने वाले आदिवासियों के जीविकापार्जन का मुख्य साधन है लघु वनोपज। इस लघु वनोपज में से एक है यह तेंदुपत्ता। छत्तीसगढ़ के समृद्ध जंगल में बड़े पैमाने पर तेंदुपत्ता का संग्रहण होता है। तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य जंगल में रहने वाले इन आदिवासियों के जिम्मे ही है। एक समय ऐसा भी था जब तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले आदिवासियों को कुछ 100 रुपए ही मिलता था, लेकिन आज प्रति सैकड़ा 400 रुपए मिलता है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही तेंदुपत्ता संग्राहकों के जीवन को ऊपर उठाने भूपेश सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार ने अपने किए वादे को पूरा करते हुए तेंदुपत्ता का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2500 से सीधे 4000 कर दिया। आज प्रति मानक बोरा 4000 रुपए की दर से सरकार संग्राहकों से तेंदुपत्ता खरीद रही है। इस बढ़े हुए दाम का नतीजा ये रहा कि आदिवासियों की आमदनी में अच्छी खासी वृद्धि हो गई है। कोंडागांव जिले की तेंदुपत्ता संग्राहक महिलाएं कहते हैं कि पहले से अब कहीं बेहतर हो गया है। उस पैसे को मैं अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में उपयोग करूंगी। शासन जो पैसा बढ़ा के दिया, मैं शासन के मेरे तरफ से धन्यवाद। पिछले साल का तेंदुपत्ता का पैसा मिला है, इस साल का 100 भुगतान मिला। उस पैसा को बच्चे की पढ़ाई में डालेंगे, खेती खार में डालेंगे, उस शासन को धन्यवाद। तेंदुपत्ता 5 पैसे मिल ली, कितने मिल ली? लगभग 4000। वहीं कोंडागांव जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मातलाम का कहना है कि जिले में तेंदुपत्ता संग्राहकों को सतत भुगतान जारी है। जिले के संग्राहक भूपेश सरकार से बेहद खुश हैं। हमारी कोशिश है कि संग्राहकों तक सरकार की हर योजनाओं को पहुंचाएं, उन्हें अधिक से अधिक लाभ दिलाएं। सरकार की ओर से संग्राहकों को 2018 का बोनस भी दिया गया है। तेंदुपत्ता तोड़ने जाते हैं उसका सही दाम कांग्रेस की सरकार दे रहा है, जिसके कारण आर्थिक विकास के साथ साथ अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे घर का आर्थिक स्थिति के संबंध में, कहीं ना कहीं आदिवासी परिवार आर्थिक विकास की ओर बढ़ा है, जिसके कारण अपने बच्चों अपना परिवार की लालन पोषण के साथ साथ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में कामयाब हो रहे हैं, सभी सरकार का गुणगान कर रहे हैं। कोंडागांव की तरह रायगढ़ जिले में भी तेंदुपत्ता संग्राहकों को सरकार की ओर से की गई खरीदी का भुगतान दे दिया गया है। जिले के संग्राहक बताते हैं कि पहले 200 रुपए प्रति सैकड़ा मिलता था, लेकिन भूपेश सरकार के आने के बाद अब 400 रुपए मिल रहा है। इससे आय में वृद्धि हुई है, बच्चों को छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना दिया जा रहा है, इससे हमारे बच्चों की शिक्षा क्षेत्र में सुधार हुआ है। इसी का नतीजा है कि आज हमारे बच्चे 10वीं और 12वीं में मेरिट में आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का फायदा हमारे बच्चों को मिल रहा है, हम बहुत खुश हैं। इसके साथ ही संग्राहक परिवार को भी कई तरह की अन्य सुविधाएं भी सरकार की ओर से दी जा रही है। तेंदुपत्ता संग्राहक सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। इसके साथ ही संग्राहक परिवार को भी कई अन्य तरह की सुविधाएं भी सरकार की ओर से दी जा रही है। हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि वह आदिवासी परिवारों के प्रति सजग और संवेदनशील है। 400 में लोग लेकर था, चुड़िया सब खुला दे कर था, खाना पीना इससे कर के देखा था। बहुत अंतर है, पहले तो छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना ला भी नहीं देते रही थे और पैसा भी पहले कम मिला थी, सब बहुत ज्यादा मिला थे। अभी आप मतलब कदम मिला थे, अभी कतक मिला थे? अभी तो
400 दे थे, 100 केरी तो राशन 5000 400 दे थे, अब बोनस भी अब दे थे। का आप मन के लड़का मन एक लाभ उठा पाई है? हाँ उठा पाई है, खुद मोर बेटी है और मोर बेटा है, हर दसवीं में लगा थे, मोर बेटी है 76% आने से और मोर बेटा भी दसवीं में 81.33% आने से, दोनों ही लाभ मिली से मोर खुद बेटी। हाँ, पहले की अपेक्षा भी बहुत फायदे में है, मैंने एकमुश्त मिल रहा है बोनस और तो अपने हिसाब से ना हितग्राही जो भी खरीदना है कुछ लेना है बच्चों के लिए घर के लिए एकमुश्त ले पा रहे हैं, बकायदा खाता में पैसा जा रहा है तो अपने हिसाब से जब चाहे निकाल के ले रहे हैं। पहले प्रति मानक सौ जो गड्डी होती है कितना मिलता था? पहले 200 रुपया, 180 के बाद 200 मिलता था, आजकल सीधा 400 रुपये मिल रहा है। वही तेंदुपत्ता संग्राहक मनोज कुमार का कहना है कि खेती बाड़ी और अन्य कार्यों में पहले की अपेक्षा अब काफी कुछ बेहतर हुआ है। पहले हमें त्योहार के समय कर्ज लेना पड़ता था, अब हमें इतना पैसा मिल रहा है कि किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं जगन्नाथ साव का कहना है कि पहले भुगतान का दर बहुत ही कम था और राशि भी समय पर नहीं मिलती थी, उस राशि का सही उपयोग नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब तेंदुपत्ता का दर एकदम से 400 रुपये प्रति सैकड़ा हो गया है, इसे अब किसी तरह की कोई समस्या जीवन में नहीं है। पहले 100 रुपये सैकड़ा से 4 गुना करके 400 रुपये सैकड़ा कर दिया गया है, इसमें हम लोग को त्योहार वगैरह में कहीं से उधारी वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, प्लस इसमें हम लोग को खेती के काम भी आ रहा है, प्लस घर में राशन सामान का काम आ रहा है, प्लस त्योहार वगैरह के काम आ रहा है। जो है तेंदुपत्ता का दर बहुत कम था और राशि भी बहुत लेट लतीफ से मिलता था, सही उपयोग नहीं हो पाता था, और अभी जो है तेंदुपत्ता का दर एकदम से 400 रुपया हो गया है, जिससे अच्छा खासा किसानों का कमाई हो रहा है, हम लोग का कमाई भी अच्छा है। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि अनिल शुक्ला का कहना है कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा संग्राहक परिवारों को मिले, इसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं, योजनाओं को सहजता के साथ हम ग्रामीणों आदिवासियों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। कि जो प्रॉफिट होता है उसमें बोनस का भी प्रावधान छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। आपको ये बताना भी जरूरी समझता हूँ कि लगभग 10,000 से 12,000 रुपए उनका तेंदुपत्ता संग्राहक के परिवार, उनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई के ऊपर भी छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल की सरकार खर्च कर रही है। इसी तरह से धमतरी जिले में भी तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी लाभ मिल रहा है। स्थानीय पार्षद वीणा सिन्हा कहती हैं कि संग्राहक परिवार का जीवन स्तर में काफी बदलाव आया है। नगरी सिहावा विधायक लक्ष्मी ध्रुव का कहना है कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आदिवासी परिवारों को उनका हक दिलाने की दिशा में काम कर रहे हैं, इसी का परिणाम है कि सरकार हर वादे को समय पर पूरा कर रही है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को बहुत सारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, बीमा योजना, छात्रवृत्ति योजना, साइकिल योजना का भी लाभ देने का प्रावधान बढ़ रही है। पहले दो बच्चों पर प्रसूता बहनों को 10,000 छात्रवृत्ति योजना का लाभ, पहले के जो सरकार थे वो तेंदुपत्ता संग्राहकों को 2,500 प्रति मानव बोरा देते थे, अब जो कांग्रेस की सरकार बनी है तब से 4,000 प्रति मानव बोरा दे रहे हैं। पिछली सरकार तेंदुपत्ता 2,500 रुपये में देती थी, लेकिन हमारी सरकार उसका दाम बढ़ाकर 4,000 प्रति मानव बोरा तय किया गया है, और सरकार की स्थिति को बता दें कि भूपेश सरकार ने कोरोना संकट के बीच तेंदुपत्ता की खरीदी का कार्य जारी रखा, इससे ये हुआ कि आदिवासी संग्राहक परिवारों को आर्थिक संकट नहीं हुआ। समय पर संग्राहक परिवारों को सरकार ने भुगतान तो दिया ही, 2018 का बोनस भी बीते दिनों 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती के मौके पर दिया गया, इससे आज आदिवासी परिवार बेहद खुश हैं। छत्तीसगढ़ अपनी बेहतर नीतियों और व्यवस्था के चलते 90% से अधिक खरीदी कर पाने वाला नंबर वन राज्य बना है। इन स्थितियों को देखते हुए कह सकते हैं कि राज्य की भूपेश सरकार आदिवासियों की हितैषी सरकार है।
कुंडागांव से किरेंद्र यादव और रायगढ़ से भूपेंद्र सिंह, दुलेंद्र पटेल और मगल लोट से तोमन सिन्हा के साथ वैभवशी पांडे, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है।